चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ गए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 11। इस सम्स में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए, नीचे दे रखा हुआ है क्या। हाँ, निकालना हम लोग क्या सम्स में, तो यहाँ पे बोला असर्टेन द क्लेम ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग को इस सम्स में दोनों ही चीज़ निकालना है, सबसे पहले स्टॉक का भी लॉस और दूसरा प्रॉफिट में भी लॉस कितना हुआ, दोनों ही हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट दे रखा हुआ है, मतलब निकालनी है। चलिए अब आगे देखते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला कि सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 वेयर एज फॉलो। तो हम लोग को 31 दिसंबर 2011 का दे रखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले सेल्स दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, फिर ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट सम्स में दे गिवेन है। फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फिर एक्सपेंस हो गया एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट जो हम लोग को पिछले साल का दे रखा हुआ है। इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होता था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाई सेल्स करके, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। और जो जो हम लोग को इस यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे क्या दे रखा है उसमें, द कंपनी हैड टेकन ऑर्डर फायर पॉलिसी फॉर ₹3 लाख। तो यहाँ पे कंपनी कितने का पॉलिसी ले रखा हुआ है, 3 लाख, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1 लाख। तो यहाँ पे जो स्टॉक का पॉलिसी है वो 3 लाख है, एंड लॉस का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 1 लाख का गिवेन है। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ रुपी ऑफ 6 मंथ्स, तो जहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड जो है वो कितने मंथ्स का दे रखा हुआ है, 6 मंथ्स का, एंड अ फायर अकर्ड ऑन 1/4/2022। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को ही यहाँ पे फायर क्या हो रहा है, अकर हो रहा है एट द प्रमाइसिस एंड इंटायर स्टॉक वेर गेटल्ड विद नील्स नील सैवेज वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेज हो जा रहा है, जहाँ पे सैवेज वैल्यू इसका कुछ भी नहीं मिल पाता, मतलब यहाँ पे स्टॉक में कुछ भी सेविंग नहीं हो पा रहा है। फिर द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज 1/4/2022 to 30/6/2022 वाज सेवरली अफेक्टेड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ्स का सेल अफेक्ट हो रहा है, तो 3 मंथ्स का यहाँ पे सेल अफेक्ट हो रहा है। फिर द फॉलोइंग आर द अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास दे रखा हुआ है सेल्स दे रखा हुआ है कब का, यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का। फिर यहाँ पे परचेज उसी पीरियड का दे रखा हुआ है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और सेल्स जो दे रखा हुआ है, यहाँ पे आग लगने के दिन के से जहाँ तक पीरियड अफेक्ट हो रहा था 30/6/2022, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे सेल्स हैं। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो भी हैं गिवन, और कितना यहाँ पे एक्सपेंस किया गया वो भी हम लोग को सेल्स में गिवन दे रखा हुआ है, मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज दैट द इंक्रीज ऑफ सेल बाय 15%। तो यहाँ पे सेल पे कितना परसेंट का ट्रेंड इंक्रीज है, इंक्रीमेंटल ट्रेंड यहाँ पे दे रखा 15% का, एंड डिक्रीज इन जीपी बाय 5% ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट। तो यहाँ पे जीपी में जो है 5% का डिक्लाइन है और सेल्स में 15% का इंक्रीज दे रखा हुआ है। तो ये सब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, जिससे हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी क्लेम निकालना है, एंड दूसरा जो है वो हम लोग को स्टॉक का भी क्लेम निकालना है। तो जैसे हम लोग स्टॉक का क्लेम निकालते हैं पिछले वाले सम्स के, पिछले नहीं स्टार्टिंग में जब सब हम लोग कर देते उसमें स्टॉक का क्लेम निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्टॉक का क्लेम निकालेंगे कैसे, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, जहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम लोग के पास ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज ये कॉपी में ये रहा हम लोग के पास कॉपी में आगे, और सम्स नंबर कौन सा दे रखा हुआ है, तो सम्स नंबर है हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जहां पे जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग के पास गिवेन है वो सब हम लोग यहां पे लिखते चलेंगे। जहां पे देखिए सबसे पहले जो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है 90,000 का, जो 31/12/2011 का, और ये जो हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो किस पीरियड का बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब जहां तक जहां आग लगा था उस दिन तक हम लोग का बना रहे थे। यहां पे चलिए लिख देता हूं 1/1/2012 से लेकर के 31/3/2012 तक का हम लोग यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, यहां पे ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का दिसंबर वाले मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही इस टाइम में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक इसका दिसंबर का, ये दिसंबर का दे रखा हुआ ना हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो जो है 90,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए
90,000, ठीक है। अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और चीज़ दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले सेल्स दे रखा हुआ है 2,50,000 का सेम पीरियड का, यहाँ पे चले लिखता हूँ यहाँ पे बाय सेल्स जो हो जाएगा 2,50,000 का। आगे परचेज दे रखा हुआ 3,00,000 का, तो चले लिखते हैं इसी में टू परचेज कितने का दे रखा हुआ है 3,00,000 का, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3,00,000 का। और पीरियड हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे आग लगा था उस दिन तक का हम लोग को निकालना है, और उस दिन में देखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके कितने का स्टॉक यहाँ पे उस टाइम में था और जितने का स्टॉक होगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लेम निकालेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 70,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो कितने का दे रखा हुआ है 70,000 का। उसके बाद सेल्स, तो ये तो हम लोग के पास अफेक्टेड पीरियड का दे रखा हुआ, तो और हम लोग के पास इस सम्स में कुछ दे रखा हुआ, तो आंसर इज नो। अब हम लोग के पास इस सम्स में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। अब देखिए सेल्स हम लोग के पास हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग को रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जो हम लोग के पास पिछले साल का दे रखा हुआ है उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2,50,000 हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट था और सेल कितने का दे रखा था 10,00,000 का, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये कौन सा वाला निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक वाले में निकाल रहे हैं, ना कि लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले में। लॉस ऑफ प्रॉफिट के टाइम में ग्रॉस प्रॉफिट में इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करते थे, बट जब हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का निकालेंगे तो उस टाइम में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते थे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के टाइम में सिर्फ सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली जो लिखते हैं डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे, तो सेल्स इनटू 100। तो जहाँ पे हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,50,000 डिवाइड बाय 10,00,000 इनटू 100, इस टाइम में 25% हम लोग के पास क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से ट्रेंड को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ पे ट्रेंड हम लोग के पास 5 दे रखा हुआ था ना कि 5% से ट्रेंड क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करेंगे हम लोग 5%। तो इस तरह से जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा जो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करते थे बट हम लोग को स्टॉक के लिए निकालना है, तो इसलिए हम लोग के पास स्टॉक के लिए ट्रेन को एडजस्ट करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 20% का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट, तो 2,50,000 का 20%, तो इस केस में कितना हो जाता है 2,20,000, तो 2,50,000 का 20%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 50,000 का। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में कितना आ रहा है चलिए देखते हैं, तो 50,000 प्लस 70,000 प्लस 3,00,000 प्लस 90,000 माइनस 2,50,000, तो हम लोग के पास आ गया 2,60,000 जो क्या आ चुका है, तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इस दोनों का टोटल जो था 5,10,000, और यहाँ भी आ जाएगा 5,10,000। तो इसी के साथ जो हम लोग के पास पहला पार्ट था इसमें क्लोजिंग स्टॉक का, जो आ गया हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर करके, और जो पहला का पार्ट था यहाँ पे स्टॉक के लिए जो क्लेम कितना होगा, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा क्लेम, तो देखिए स्टॉक का जो यहाँ पे दे रखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड हो गया वो कितने का, तो 2,60,000 का। और यहाँ पे इंश्योरेंस का जो क्लेम का अमाउंट दे रखा हुआ है कितने का, पॉलिसी ले रखा हुआ था 3,00,000 का, तो जितने का यहाँ पे लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा का पॉलिसी ले रखा हुआ है, तो इस टाइम में पूरे यहाँ पे जो भी लॉस हुआ वो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिल जाएगा इसे क्लेम के रूप में। तो ये समझ में आ गया आप लोगों का, पहला पार्ट था स्टॉक का जो बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे, दूसरा पार्ट में क्या निकालेंगे, दूसरा पार्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले में कितना क्लेम होने वाला है। तो चलिए हम लोग दूसरा पार्ट इसका निकालते हैं, तो आ जाइए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, तो शॉर्ट से निकालते थे, तो शॉर्ट से निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट सेल हो जाता था, उसके बाद कितना ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का रिड्यूस हुआ, या जो शॉर्ट सेल होता था उसमें जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हो गया वो निकालते थे। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंस में निकालते थे, उसमें हम लोग तीन कंडीशन देखते थे, तीनों में जो भी लोअर होता था उसे हम लोग कंसीडर करते थे, एंड उसके बाद सेविंग देख लेते थे कितना हो रहा था, एंड उसके बाद जो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट आता था उसे हम लोग एवरेज क्लॉज के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेते थे क्लेम कितने का, कितने अमाउंट का यहाँ पे क्लेम हो रहा है, तो ये हम लोग निकाल देते हैं। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, शॉर्ट सेल। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टेशन ऑफ शॉर्ट सेल
अब देखिए सबसे पहले आग कब लगा था, तो आग लगने का टाइम यहां पे दे रखा था 1/4/2022, तो ये इस डेट को यहां पे आग लगा था। और ये जो पीरियड अफेक्ट हो रहा था, मैं यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा तो यहां पे देख लीजिए, आग लगने का डेट मान लेते हैं कि यहां पे कितने का दे रखा था, 1 अप्रैल 1/4/2022, ये हम लोग के पास आग लगने का यहाँ पे डेट दे रखा था। और जो यहाँ पे पीरियड अफेक्ट हो रहा था वो कब तक अफेक्ट हो रहा था, 30/6/2022, तो ये पीरियड यहाँ पे 30/6/2022, तो इस पीरियड यहाँ तक का यहाँ पे क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था। अब देखिए सेल्स जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवेन है वो 87,500, वो किस पीरियड का, तो 1/4/2012 से लेकर 30/6/2012 का, मतलब इस पीरियड का हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ है, ये वाली जो पीरियड है इस पीरियड का। और सेल्स कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 87,500 का, 87,500 का हम लोग के पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, सेल दे रखा हुआ है। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 87,500 हम लोग का इस पीरियड का दे रखा हुआ है। अब हम लोग जो जब भी निकालते थे, क्या निकालते थे हम लोग, जब भी हम लोग निकालते थे कि शॉर्ट सेल कितना हुआ, तो उसे हम लोग कंपेयर करते थे सेम पीरियड वाले से। देखिए यहाँ पे मान लेते कि हम लोग कितना हो गया, 1/4/2011, ये पीरियड हम लोग मान रहे हैं कि 1/4/2011 है, तो हम लोग को 1/4/11 और यहाँ पे मान लेते हैं कि 30/6/2011 दे रखा हुआ है। तो हम लोग इस पीरियड से कंपेयर करेंगे, इस पीरियड के सेल को पिछले साल के सेल के पीरियड से कंपेयर करेंगे। अब देखिए पिछले साल में जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है यहाँ पे 30/12 तक का, मतलब ये जो ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है कब, तो 31/12/2011, ये जो पीरियड एंड हो रहा है, तो मतलब पूरे साल भर का सेल यहाँ पे, पूरे साल भर का 31/12, और यहाँ पे एक पीछे भी डेट ले लेते हैं जो हम लोग के पास हो जाएगा 1 जनवरी 2011, मतलब 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31/12 तक का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ। कितने का दे रखा हुआ सेल, तो ये हम लोग के पास जो सेल दे रखा हुआ ये दे रखा हुआ कितने का, तो ये हम लोग के पास 10 लाख का टोटल यहाँ पे सेल दे रखा हुआ। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है कि 10 लाख का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ कौन से पीरियड का, तो 31 मार्च 2000 जो हम लोग के पास यहाँ पे 31 मार्च 2000 कितना 11 और 31 दिसंबर 2011 और यहाँ पे 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 मार्च 2011 तक का पूरे साल भर का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है जो 10 लाख का दे रखा हुआ है। और जो हम लोग के पास अफेक्टेड पीरियड का पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का सेल था वो 87,000 था, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेल से। तो देखिए ये हो गया हम लोग के पास, और हम लोग के पास एक सेल दे रखा हुआ था, जो हम लोग के पास कौन सा सेल दे रखा हुआ था, 1/4/2012 से लेकर के 31/3/2012 तक का, मतलब ये वाली पीरियड का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ था। यहाँ से लेकर के ये जो पीरियड हम लोग के पास ये रहा, इस वाले पीरियड का हम लोग के पास एक सेल भी दे रखा हुआ है, इस पीरियड का टर्नओवर जो कितने का दे रखा हुआ सेल, तो इस पीरियड में हम लोग के पास जो सेल दे रखा हुआ था वो है 2,50,000 का। कितने का दे रखा है, 2,50,000 का, तो यहाँ पे लिखता हुआ 2,50,000, तो ये भी पीरियड का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है। तो यहाँ तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, देखिए हम लोग के पास कितना सेल अभी तक में दे रखा हुआ है, तो एक हम लोग के पास दे रखा हुआ है ईयर एंडिंग का, जो नॉर्मली हम लोग के पास फाइनेंशियल ईयर रहता कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का सेल, जो यहाँ से यहाँ तक का 10 लाख का पहला सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है टर्नओवर 2,50,000, जिसमें यहाँ पे ट्रेंड को एडजस्ट करके दे रखा हुआ है, जहाँ पे ट्रेंड का 15% का एडजस्टमेंट था ना, तो वो ट्रेंड तो इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड किया होगा। और उसके बाद जो दूसरा सेल दे रखा हुआ हम लोग के पास 87,500, ये हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है, जहाँ पे ये क्या हो चुका है, जब आग लगने वाला था पीरियड, मतलब आग लग गया था उसके बाद वाला पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ था। अब जब हम लोग को निकालना है यहाँ पे कंपेयर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ डिसलोकेशन पीरियड को पिछले साल के पीरियड से हम लोग को कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे टर्नओवर दे रखा हुआ था 2,50,000, तो इसे हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को माइनस कर देंगे, इसमें से यहाँ पे ट्रेंड को क्या कर देंगे, हटा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो 2,50,000 होगा, ये 2,50,000 मान लेते हैं कि इस पीरियड का सेल 2,50,000 था, तो इस वाले पीरियड का भी कितना हो जाएगा 2,50,000, बट इसमें से ट्रेंड को माइनस करना होगा। माइनस क्या कर देंगे हम लोग, इसमें से ट्रेंड, जो भी ट्रेंड यहाँ पे ऐड किया गया था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इस पीरियड का सेल आ जाएगा। और हम लोग को यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक का सेल दे रखा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ 9 मंथ्स यहाँ से यहाँ तक का जो 9 मंथ्स आ गया, उसका सेल हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे ना। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से मैं यहाँ पे कॉपी में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए एक बार, फिर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डेट को फायर लगा था जो हम लोग के पास था 1/4/2022, ये यहाँ पे डेट को फायर लगा था, ये रहा हम लोग के पास 30/6/2022,
यहाँ पे पीरियड ऑफ डिसलोकेशन था, तो यहाँ तक हम लोग के पास टर्नओवर जो दे रखा हुआ था वो कितने का दे रखा हुआ था, 87,500, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। अब देखिए एक हम लोग के पास यहाँ पे 31st 12 2011 से लेकर के हम लोग के पास 1/4/2021 या 31st मार्च 2021 यहाँ तक का एक टर्नओवर भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो कितना दे रखा हुआ है 2,50,000, जिसमें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है ट्रेंड को, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद, ट्रेंड को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ 2,50,000, जहाँ पे ट्रेंड तो लिखा हुआ था ना कि ट्रेंड हम लोग के पास कितना परसेंट का, 15% का ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड दे रखा हुआ था, तो 15% का ट्रेंड तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास 12 महीने का मतलब पिछले साल का पूरे टोटल हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है, जहाँ पे पिछले साल का अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2011 से सेल यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो कितना अमाउंट का दे रखा हुआ सेल, तो इस पीरियड का जो हम लोग के पास सेल है वो कितने का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर जो है वो हम लोग के पास 10,00,000 का यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो देखिए तीन टर्नओवर हम लोग के पास हो गया। अब ध्यान दीजिए ये तो हम लोग के पास हो गया, अब जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाला होता था तो जहां पे आग लगा था उसे हम लोग सेम पीरियड से कंपेयर करते थे, दैट इज हम लोग इस पीरियड से कंपेयर करेंगे, यहां से यहां तक का कंपेयर करेंगे कि 1/4 से लेकर के, एक सेकंड इसे इरेज करके थोड़ा सा अंदर लिखूं, यहां से लेकर के यहां तक का सेल को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो अगर इसे लिखना चाहूंगा तो 1/4 से लेकर के 36 तक का हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब इसी पीरियड का सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है कि इस पीरियड में कितना सेल होना चाहिए। अब इस पीरियड का सेल तो हम लोग को गिवेन है नहीं, तो अगर सेल हम लोग को यहाँ पे इस पीरियड का गिवेन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग के पास ट्रेंड लगाने के बाद का सेल दे रखा हुआ था, ये जो हम लोग के पास ट्रेंड लगाने के बाद ये वाली जो सेल दे रखा हुआ था और यहाँ पे जो पीरियड दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इसमें से ट्रेंड को माइनस कर देंगे, ये जो 2,50,000 है, 2,50,000 है, इसमें से अगर हम लोग ट्रेंड को माइनस कर देंगे, ट्रेंड को माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो अमाउंट होगा, जो भी होगा अमाउंट, वो हम लोग क्या मानेंगे कि इस पीरियड का सेल है। अब यहाँ से लेकर के एकदम स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक का सेल हम लोग के पास 10,00,000 है और यहाँ तक का सेल हम लोग को पता हो जाएगा, तो बचा हुआ जो 9 मंथ्स का हो जाएगा वो 9 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा, तो 9 मंथ्स का जो सेल होगा वो 10,00,000 सबसे पहले टोटल सेल है 12 महीने का, उसमें से जो अभी हम लोग ग्रीन पेन से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रीन नहीं ब्लू पेन से, तो वो वाली सेल अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 9 मंथ्स का सेल आ जाएगा, और इस 9 मंथ्स में हम लोग 3 मंथ्स कर देंगे इसे, 3 मंथ्स कर देंगे इसे, और 3 मंथ्स कर देंगे हम लोग इसे, और ये वाले तो 3 मंथ्स था ही जो हम लोग निकाल चुके होंगे, तो इस तीनों मंथ्स का अगर हम लोग सेल निकालेंगे तो हम लोग का तो आ जाएगा ये वाली अमाउंट का, मतलब इस वाले पीरियड में कितने का सेल होगा, तो ये तो सिंपली हम लोग के पास आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि देखिए सबसे पहले जो भी हम लोग के पास एक्चुअल सेल दे रखा हुआ है अगले नेक्स्ट ईयर का, जो हम लोग के पास एक्चुअल सेल दे रखा हुआ था इस पीरियड का 2,50,000 जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, उसे में से हम लोग को ट्रेंड माइनस करने के बाद ये निकालेंगे हम लोग सेल, और पिछले जो साल का 12 मंथ्स का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है उसमें से ये जो ट्रेंड निकालने के ट्रेंड एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम लोग के पास सेल का अमाउंट था वो माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो सेल होगा वो 9 मंथ्स हो जाएगा, और वही 9 मंथ्स को प्रपोर्शन बेसिस पे 3 महीने का सेल निकालेंगे, और जो यहाँ पे 3 महीने का सेल आ जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देंगे जो टर्नओवर था पीरियड ऑफ डिसलोकेशन सा, उसी के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सेल आ जाएगा। तो ये समझ में आएगा आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग के पास निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो हम लोग को ट्रेंड माइनस करने के बाद जो सेल होगा यहाँ पे पिछले साल का वो कितना होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेल फ्रॉम 1/4/2011, यहाँ पे 11 का बात कर रहा हूँ मतलब इस पीरियड का, टू 31st 2011, तो ये पीरियड का सेल कितना हो जाएगा, तो देखिए 2,50,000 ट्रेंड के बाद है, ट्रेंड एडजस्ट करने के बाद है, तो मान लेते हैं कि यहां पे सेल होता 100, इस पीरियड का सेल होता 100 और यहां पे ट्रेंड कितना होता 15 होता क्या, ट्रेंड तो यहां पे 15% का दे ही रखा हुआ है ना नीचे, ये रहा हम लोग के पास 15% का ट्रेंड, तो ट्रेंड ऐड करते तो हम लोग के पास जो टोटल सेल हो जाता नेक्स्ट ईयर का, ये तो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जो सेल होगा वो हम लोग के पास कितने का हो जाएगा 115 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग 2,50,000 में 100 निकाले हैं, मतलब पिछले प्रीवियस पीरियड का निकाले हैं, और 115 का हम लोग के पास पता है, वैसे भी हम लोग को जब भी अकाउंट्स में करते थे कि जिसे हम लोग को मालूम करना होता था उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते थे, दैट इज 100 वाला वैल्यू को हम लोग न्यूमरेटर में लिख लें क्योंकि उसका हम लोग को निकालना है,
और डिवाइड करते थे हम लोग किससे, जिसका वैल्यू हम लोग को पता होता था। तो यहाँ पे 150 नेक्स्ट ईयर का सेल हम लोग को पता है जो कितना 250,000, तो इससे हम लोग क्या किया यहाँ पे डिवाइड किए, तो इस पीरियड का हम लोग के पास यहाँ पे सेल का अमाउंट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 250,000 इंटू 100, इसमें डिवाइड करेंगे ट्रेंड को माइनस करने के बाद, तो ये आ जा रहा है 217,000 2,17,391 हम लोग के पास क्या आ गया, ये सेल आ चुका है। कौन सा? तो सेल आ चुका है पिछले साल का जो टर्नओवर हम लोग के पास एक्चुअल दे रखा होता वो वाली पीरियड का, ठीक है। अब ये तो आ गया, अब हम लोग का पहला ये सेल आ गया, अब दूसरा सेल निकालते हैं। कौन सा? तो दूसरा सेल निकालते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल 9 मंथ्स का सेल, तो यहाँ पे 9 मंथ्स सेल, रिमेनिंग 9 मंथ्स सेल यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग 9 मंथ्स सेल। ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल सेल जो हम लोग के पास दे रखा होता वो दे रखा होता 10 लाख, जिसमें से हम लोग इसे माइनस कर देंगे 217,391 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इस केस में आ जा रहा है 10 लाख में से माइनस करेंगे 217,391, तो ये आ गया 782,609। ये हम लोग के पास टोटल 9 मंथ्स का सेल आ गया। अब इसमें से 3 मंथ्स का जो निकालेंगे हम लोग सेल्स, तो चलिए 3 मंथ्स का निकाल दे, तो 3 मंथ्स का सेल किसी भी 3 मंथ्स का, मतलब ये 1/4 से लेकर के 36 तक का, ये दूसरा पार्ट का 3 मंथ्स का, या किसी भी 3 मंथ्स का, तो इसमें हम लोग नॉर्मली क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 782,609 डिवाइड बाय हम लोग डायरेक्टली 3 करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये जो सेल आ रहा है यहाँ आ रहा है 260,870 राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेल आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम लोग का मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये तो बस फर्स्ट वाली पार्ट रफ था, और उससे पहले हम लोग निकाल चुके थे स्टॉक में कितना क्लेम हुआ था। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए जो 1/1/2011 से लेकर के 31/3/2011 तक का सेल होगा, इसे हम लोग कंपेयर कर ले जो हम लोग के पास एक्चुअल सेल मालूम था 2012 का, उसमें से ट्रेंड को माइनस करने के बाद, ट्रेंड को माइनस किए दैट इज जो हम लोग के पास ट्रेंड को माइनस किए करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो नोन वाला फॉर्मूला था वो वाली फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, या हम लोग एक्स मान करके यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स मान करके करेंगे तो हम लोग के पास कैसे इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 0.1515% दे रखा होता है ट्रेंड, एक्स इज इक्वल टू 250,000, और जहाँ पे जो हम लोग के पास एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा वही हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो वही हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ जाएगा। तो आप लोग को जिस तरह से करना है उस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद जो हम लोग के पास नाइन, ये हम लोग फर्स्ट निकाल लिए थे कि फर्स्ट 3 मंथ्स का सेल कितना होगा, और बाकी 9 मंथ्स के सेल के लिए टोटल हम लोग के पास 12 मंथ्स का सेल दे रखा होता, और यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ्स के सेल को माइनस किया तो हम लोग का 9 मंथ्स का सेल आ गया, और 9 मंथ्स के सेल से हम लोग 3 मंथ्स का सेल निकालने के लिए डिवाइड करिए डायरेक्टली हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए, और यही 3 मंथ्स का जो सेल हो जाएगा यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल हम लोग के पास इस केस में आ चुका है। अब स्टैंडर्ड सेल आ चुका है तो यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर भी निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे 80, उसके बाद ही यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेल निकालेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और ये कैसे निकाल देते, तो हम लोग को देखना होता था कि जिस दिन आग लगा था क्या हुआ था, जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का हम लोग सेल देखते थे। तो देखिए आग कब लगा है, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आग लगने का डेट दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास यहाँ पे आग लगा है, इससे जस्ट 12 मंथ्स का हम लोग को देखना है, दैट इज ये वाली जो 9 मंथ्स का दे रखा हुआ है वो तो सेल यहाँ पे होगा ही, प्लस में यहाँ पे 3 मंथ्स का सेल ये भी हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास 12 मंथ्स का सेल हो जाएगा, और यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग के पास हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करते थे, ट्रेंड को एडजस्ट करते थे। तो ट्रेंड को हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करेंगे पिछले साल वाले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है उसी में से, जो हम लोग के पास 31 दिसंबर का जो ईयर एंड हुआ था उसी में हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे, बाकी में ट्रेंड को एडजस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो 9 मंथ्स का सेल था वो तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, 9 मंथ्स का सेल, बस इस 9 मंथ्स के सेल में से हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे, और बचा हुआ जो हम लोग के पास ये 3 मंथ्स का दे रखा हुआ है इसमें तो ट्रेंड ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले 9 मंथ्स का फर्स्ट 9 मंथ सेल सेल जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं 782,609, इसमें हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करते हैं ट्रेंड जो 15% दे रखा हुआ है, 782,609 का 15%, चलिए देख लेते हैं कितना हो जाता है।
782609 का 15% वन वन सेवन 391 हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 391 है ना, 117391 ये हम लोग के पास क्या आ गया ट्रेंड एडजस्ट करने में, एडजस्टमेंट करने के बाद। अब ये तो हम लोग के पास 9 मंथ्स का हो गया, बाकी 3 मंथ्स का निकालना है। तो 3 मंथ्स का जो हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, टर्नओवर फ्रॉम 1/1/2012 से लेकर के 31/3/2012 तक का जो हम लोग के पास सेल दे रखा हो वो तो गिवेन है ना, 2,50,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो चलिए ऐड कर देते हैं इसको, यहाँ पे 782609 प्लस 117391 प्लस 2,50,000। तो हम लोग को इस केस में जो यहाँ पे आ जा रहा है टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर वो कितना आ रहा है, तो 11,50,000 का हम लोग के पास एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गया। और सम्स में जो हार्ड पार्ट था सिर्फ और सिर्फ यही वाला हार्ड पार्ट था, और बाकी सारे के सारे पार्ट जो हम लोग के पास था यहाँ पे इजी दे रखा हुआ था। एक बार मैं आप लोग को ये वाली पार्ट जो है जहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल निकालने के लिए जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे 3 मंथ्स का जो सेल जो स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाले थे वो, और दूसरा जो पार्ट हम लोग के पास था एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इससे मैं बुक से भी आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे तो सम्स इजी हो रखा है, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये वाली पार्ट तो हम लोग निकाल चुके थे जो हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था, ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्लस में कितने का क्लेम हो चुका था ये हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एकदम से यहाँ पे आ जाइए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, या यहाँ पे जो ब्रेकअप के दे रखा हुआ है उसमें देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वार्टर 2011 का सेल्स निकालने के लिए जो 2,50,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ था, कौन सा सेल, तो जो दे रखा हुआ था हम लोग के पास 2012 का फर्स्ट क्वार्टर का जो सेल दे रखा हुआ था उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को एडजस्ट किया था। देखिए सेल्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011 इज कम्पेयर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012, तो 2012 का जो हम लोग के पास यहाँ पे सेल दे रखा था उसी से यहाँ पे ट्रेंड को एडजस्टमेंट करने के बाद, ट्रेंड को माइनस करने के बाद जो भी यहाँ पे अमाउंट आ गया था वो, और बचा हुआ जो सेल था वो यहाँ पे 9 मंथ्स का सेल आ चुका था, ठीक है। 782610 या 609 करके जो हम लोग के पास था ये 9 मंथ्स का सेल आ चुका है। अब इसे जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाले थे वो सबसे पहले जो हम लोग के पास ये 9 मंथ्स का सेल आ गया था वो तो यहाँ पे रहेगा ही, 9 मंथ्स का जो सेल था वो तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो हम लोग के पास देखिए 9 मंथ्स का सेल आ गया प्लस में जो हम लोग के पास 3 मंथ्स का 2012 का दे रखा हुआ था गिवन था वो आ गया। अब ये जो 9 मंथ्स का सेल था इसमें यहाँ पे ट्रेंड को ऐड कर रखा हुआ है, तो ऐड करने के बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट आ गया वो क्या आ गया, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो हम लोग के पास आ गया था 782610 जो हम लोग के पास 9 मंथ्स का सेल था इसमें 3 से डायरेक्टली डिवाइड किया तो हम लोग के पास कितना आ गया, जो स्टैंडर्ड सेल था वो स्टैंडर्ड सेल आ गया। इसमें हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे तो हम लोग के पास जो भी आ जाएगा उसमें से हम लोग एक डिसलोकेशन पीरियड को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास इस तरह से क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गया और हम लोग के पास स्टैंडर्ड सेल यहाँ पे निकाल चुके हैं 3 महीने का, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, तो शॉर्ट सेल निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाए कॉपी में शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल कितने का वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर जो 3 महीने का सेल निकाल लेते वही हो गया था स्टैंडर्ड टर्नओवर जो है 260870, इसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को ऐड करेंगे जो 15% दे रखा हुआ है, 15% इंटू 260870 यहाँ पे ऐड कर दीजिए 260870 का 15%, तो ये कितना आ गया 391305 नहीं है, 5 मैं हटा दीजिए, पॉइंट के बाद नहीं लिखेंगे हम लोग। ट्रेंड ऐड कर देते हैं प्लस इक्वल टू, तो ये हम लोग के पास कितने का आ गया, तो ये आ गया 3,00,000। अब इस 3,00,000 में से टर्नओवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन का टाइम है कितना टर्नओवर दे रखा हुआ है सम्स में, तो ये तो हम लोग के पास गिवन था ना, ये डिसलोकेशन के टाइम है 87,500, ये आ जाएगा 87,500। तो यहाँ पे 87,500 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल आ जाएगा जो कितना आ जाएगा 87,500 को माइनस कर देते तो हम लोग के पास आ गया 2,12,500 हम लोग के पास क्या आ गया, शॉर्ट सेल आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं जीपी रेशियो,
और जब भी हम लोग जीपी रेशियो निकालते थे कौन से में, लॉस ऑफ प्रॉफिट में, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला चेंज हो जाता था, जिसमें हम लोग क्या लिखते थे, तो सबसे पहले हम लोग के पास होता था नेट प्रॉफिट, इसमें हम लोग इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड करते थे, डिवाइड करते थे हम लोग टर्नओवर से। तो चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट हम लोग के पास कितना गिवन है। तो देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग के पास 50,000 गिवन है, तो चलिए लिख देता हूँ 50,000। फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग के पास सम्स में गिवन था, जो कितने का दे रखा हुआ है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस जो है 50,000 का यहाँ पे, तो प्लस 50,000 यहाँ हो जाएगा। और टर्नओवर जो हम लोग के पास है वो कितना हो जाएगा, तो टर्नओवर हम लोग के पास ये रहा 10 लाख का, जो पिछले साल का टर्नओवर था, तो यहाँ पे चलिए लिखेंगे हम लोग डिवाइड बाय 10 लाख। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना परसेंट आ गया, तो ये आ गया 10%। अब इसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग के पास रेशियो निकाले हैं, इसमें ट्रेंड को एडजस्ट करना है, बिकॉज हम लोग को सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी ट्रेंड दे रखा होता, जो 5% क्या था, डिक्रीज करके दे रखा होता ट्रेंड, तो इसमें से माइनस करेंगे ट्रेंड जो 5%। इस तरह से जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5% ही बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे निकाल लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आ जाएगा वो कितना आता है, तो शॉर्ट सेल में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो, इस केस में आ जाएगा 212,500 इंटू जीपी रेशियो, सिर्फ और सिर्फ 5% ही बचा, तो इस केस में कितना आ गया अमाउंट, तो 212,500 का 5% जो है 10,625 हम लोग के पास क्या आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद एक्सपेंस में देखते थे कि हम लोग को कितना क्लेम हो जाएगा, मतलब क्लेम कितना मिलेगा एक्सपेंस के लिए। तो चलिए लिखता हूँ क्लेम फॉर एक्सपेंस, इसमें तीन हम लोग देखते थे पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते थे कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, तो एक्चुअल एक्सपेंस सब्स में कितना गिवन है, तो एक्चुअल एक्सपेंस हम लोग के पास 60,000 गिवन है, ये रहा हम लोग के पास एक्चुअल एक्सपेंस 60,000 का, तो एक्चुअल एक्सपेंस पहला जो हम लोग के पास पॉइंट हो गया वो आ गया 60,000 का। फिर सेकेंड वाली पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग देखते थे कि कितना एडिशनल शेयर हो रखा हुआ है एडिशनल एक्सपेंस करने के वजह से। तो देखिए सम्स में हम लोग को कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि हम लोग के पास एडिशनल एक्सपेंस की वजह से एडिशनल सेल कितना हुआ, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जो सेल डिसलोकेशन पीरियड में 87,000 का यहाँ पे हो रखा है, उसी को मान लेंगे कि हम लोग को एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की वजह से ही ये सेल हो रखा है। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ 87,500 में, और मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो जो हम लोग के पास कितना परसेंट है 5%, तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो 87,500 का 5% जो आ जा रहा है 4,375। तो सेकेंड वाले केस में हम लोग का 4,375 आ गया एक्सपेंस में। फिर थर्ड वाला जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, तो एक्चुअल एक्सपेंस इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो प्लस में अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो यही होता था। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस 60,000 सबसे पहले, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते थे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, तो यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना आया था, तो 11,50,000, ये निकाल चुके हैं ना 11,50,000, तो 11,50,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से जो हम लोग के पास कितना परसेंट आया है 5%, फिर डिवाइड करेंगे 11,50,000 को 5% से, और यहाँ पे अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग का सम्स में कितना गिवन है, तो अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, देखिए इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग के पास कितना हो गया, तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस हैं 50,000, ये गिवन है 50,000। ठीक है, और टोटल स्टैंडिंग जो चार्जेस है हम लोग के पास वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना, तो 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, तो ये कितना जा रहा है 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, तो ये हम लोग के पास हो गया 2 लाख है ना। ये 2 लाख हम लोग के पास टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। अब इस 2 लाख में से, इस 2 लाख में से हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज वो कितने का दे रखा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 का, तो माइनस करेंगे हम लोग 50,000। अब जो हम लोग के पास अमाउंट आया वो कितना आया, तो 1,50,000, बट यहाँ पे 1,50,000 आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए, नोट करके लिखा हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस के लिए, यहाँ देखिए
अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ 80,000 एंड फाइनेंस चार्जेस ऑफ 1,00,000 इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इज बीइंग 50,000 अन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जो स्टैंडिंग चार्जेस लिखते थे यहाँ पे, जो भी स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग के पास होता था वो क्या चीज़ होता था, तो वो हम लोग के पास जो भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता था प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता था उसी को हम लोग बोलते थे स्टैंडिंग चार्जेस। तो इस केस में जो हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स्ड जो एक्सपेंस यहाँ होगा उसमें यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस आएगा, तो आंसर इज नो, सेलिंग एक्सपेंस तो हम लोग को फिक्स्ड चार्जेस में तो नहीं आता है, तो फिक्स्ड चार्जेस में हम लोग के पास सेलिंग एक्सपेंस नहीं आता। तो इस 1,50,000 में से 20,000 भी माइनस हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इंक्लूड किया जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस में, तो ये 80,000 प्लस में यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस का जो दे रखा हुआ 1,00,000, तो इस तरह से 1,80,000 हम लोग के पास क्या हो जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब इस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,80,000 में से माइनस करेंगे जो हम लोग के पास इंश्योर वाला दे रखा हुआ था, जो 50,000 यहाँ पे गिवन है वो वाले हम लोग जब माइनस करेंगे 50,000 ये जो गिवन दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास जो अनइंश्योर वाला पोर्शन हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1,30,000 का। तो ये हम लोग के पास अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में कितना आ गया, तो 1,30,000। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो प्लस में ऐड करेंगे 1,30,000 का। ये समझ में आ गया आप लोग को कि यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग को ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फाइनेंस चार्जेस जो फिक्स्ड है और प्लस में जो हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का जो फिक्स दे रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उसी को ही कंसीडर करनी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, तो 11,50,000 इंटू 5% प्लस में 1,30,000 एम प्लस में डाल देता हूँ, फिर उसके बाद 60,000 इंटू 11,50,000 इंटू 5% डिवाइड बाई MRC, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये वाली जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 18,400 करके, ये वाली हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब इस तीनों में लोअर देखना है, तो लोअर कौन सा हम लोग के पास है, तो लोअर रहा 4,375, तो 4,375 का ही यहाँ पे क्लेम एक्सपेंस के बदले मिलने वाला है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग 4,375 हम लोग के पास क्या हो गया, क्लेम हो गया एक्सपेंस का, और यहाँ पे जो हम लोग के पास लॉस और प्रॉफिट का तो वो कितना था 10,625, तो ये हो गया। अब देखिए सम्स में और हम लोग के पास गिवन नहीं है कि सेविंग कितने का हो रखा है, तो सेविंग हम लोग के पास गिवन नहीं, और यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी 1,00,000 का ले रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग एवरेज क्लॉज में भी निकाल लेते हैं, तो एवरेज क्लॉज में निकाल लेते हैं, या वैसे भी अगर देखना चाहोगे तो देखिए ये जो हम लोग के पास यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट का है वो कितना है, तो 10,625, और जो हम लोग के पास एक्सपेंस का क्लेम है वो कितना है 4,375। तो अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल हम लोग के पास जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल लॉस हो जाएगा 10,625, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4,375, तो 10,625 प्लस 4,375 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 15,000। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे क्लेम के लिए अमाउंट आ रहा है वो 15,000 का, और यहाँ पे इंश्योरेंस का जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास पॉलिसी वो कितना 1,00,000 का, मतलब बहुत ही ज़्यादा का दे रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे 50,000 पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, हम लोग का क्लेम एडमिनिस्टेबल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इसी के साथ ये सम्स हम लोग का जो दे रखा हुआ था, कौन सा सम्स दे रखा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 11, वो कंप्लीट हो जा रहा है। बस एक बार आप लोग ICAI स्टडी मटेरियल में देख लीजिए कि क्लेम को किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इंश्योरेंस क्लेम टू बी सबमिटेड, तो सबमिट में सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक के लिए 2,60,000 का सबमिट करना है, प्रॉफिट के लिए कितना तो 10,625, और यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस के लिए 4,375। तो इस तरह से टोटल जो एक क्लेम के लिए अमाउंट भेजना है वो कितना हो जाएगा, सबमिट करना है वो हो जाएगा 2,75,000। इसी के साथ ये हम लोग का सम्स, ये जो था इलस्ट्रेशन नंबर 11, वो कंप्लीट हो गया। और हाँ, अगर यहाँ आप लोग एवरेज क्लॉज निकालना चाहोगे तो आप लोग एवरेज क्लॉज जब भी निकालोगे तो ये जो यहाँ पे क्लेम का अमाउंट आएगा 15,000 से ज़्यादा आ जाएगा, जो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल लॉस ही यहाँ पे क्लेम में मिल जाएगा। ठीक है,